हाय, दिस इज तापस मंडल। वेलकम टू लेट्स लर्न। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे GDS एप्लीकेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्स मुझे मिला, थ्री कमेंट्स को मैंने पिक किया, तो ये थ्री कमेंट्स मैं डिस्कस करूँगा रिगार्डिंग EWS सर्टिफिकेट, रिगार्डिंग OBC सर्टिफिकेट एंड झारखंड में जो और झारखंड में जो वैकेंसी निकल कर आया ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिहार, UP, छत्तीसगढ़ में जनवरी तक वैकेंसी आ सकता है या नहीं आ सकता, तो इसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस करो। तो फर्स्ट हम कमेंट पढ़ लेंगे यहाँ पे। आई एम इन मुस्लिम मंडल कम्युनिटी, कैन आई ट्रांसफर माई OBC सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टेट टू सेंट्रल? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगा, आपका जो कमेंट है वो अधूरा है। आपको स्टेट मेंशन करना चाहिए था, कौन सा स्टेट से आप बिलोंग करते हो, क्योंकि अलग अलग स्टेट में सेंट्रल लिस्ट में आपको दिखाई देगा अलग अलग कम्युनिटी कास्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पे आप जाओ, ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आपको चेक करना है, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हो। यहाँ से आपको सारे स्टेट मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख ही सकते हो सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBCs, और यहाँ पे सारे स्टेट आपको दिखाई देगा। कोई भी स्टेट, जो स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट को आपको क्लिक करना है। जैसे मैं वेस्ट बंगाल आपको कंसिडर करता हूँ, आप वेस्ट बंगाल से हो, तो यहां पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखो ये जो लिस्ट है वेस्ट बंगाल का OBC, जो सेंट्रल लिस्ट है OBC, तो ये वेस्ट बंगाल का लिस्ट आ गया। ऑब्वियसली ये सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC है। यहां पे हम अगर चेक करेंगे तो आपने बोले थे यहां पे क्या मंडल, मुस्लिम मंडल कम्युनिटी। ओके, मुस्लिम मंडल कम्युनिटी क्या सेंट्रल OBC लिस्ट में आता है? देखो, अगर हम वेस्ट बंगाल का बात करें तो वेस्ट बंगाल में ये लिस्ट में नहीं आता, ठीक है। आप यहाँ पे मुस्लिम में देख लो, सारे मुस्लिम जितना भी कास्ट या कम्युनिटी हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये सेंट्रल लिस्ट में आता है, लेकिन मुस्लिम आपको मतलब मंडल मुस्लिम आपको कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, ये कास्ट सेंट्रल लिस्ट में नहीं आता। अगर आप दूसरा स्टेट से बिलोंग करते हो, मैं आपको जो जैसे प्रोसेस बोला उस प्रोसेस से आप चेक कर लोगे एक बार, ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर सेंट्रल लिस्ट में आता है तो आप तुरंत चला जाओ DM ऑफिस और अपना जो सर्टिफिकेट है वो ऑब्वियसली बना लो, क्योंकि आप GDS एप्लीकेंट हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, रंजन जी यहाँ पे कमेंट किए, एवरीवन हियर अप्लाई फॉर झारखंड सर्किल, क्योंकि इस बार ये सिलेक्शंस कम परसेंटेज पे होने वाले हैं। बिहार और UP और छत्तीसगढ़ में जर्मनी पे वैकेंसी आ रही है, इसलिए बहुत सारे परसेंटेज कैंडिडेट मतलब बहुत सारे हाई परसेंटेज वाला कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा। ओके, तो एक्चुअली ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि झारखंड सर्किल पे बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ही अप्लाई कर रहे हैं। बिहार में या यूपी में या छत्तीसगढ़ में वैकेंसी तो आए, बट आप कभी भी सियोरली बोल नहीं सकते या जनवरी पे बिहार यूपी छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आने वाला है। हाँ, आ भी सकता है, जनवरी फरवरी पे आ जाएगा साइकिल 3 का वैकेंसी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है झारखंड में अप्लाई नहीं हो रहा। झारखंड पे भी हाई परसेंटेज वाला सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्स देख लेंगे दीपक शर्मा जी का। सर, मैंने एक्सपायर EWS सर्टिफिकेट लगा दिया है, लेकिन मैंने बाद में नया बनवा लिया, सो वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? अच्छा, ये वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डिपार्टमेंट जो सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट में बहुत ही ज़्यादा कंसिडरेशन कर रहा है। मैंने आज ही सुबह एक कैंडिडेट के साथ बात किया, उन्हें बोला उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इशूड वाला सर्टिफिकेट है ना, OBC सर्टिफिकेट, वो अवेलेबल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशूड जो सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल है, फिर भी उसको कंसिडर किया। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर उसके पास जो सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशूड जो OBC सर्टिफिकेट है अवेलेबल नहीं रहेगा, तो उनको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसके अंदर उसको अवेल करना है, सबमिट करना है। तो देखो, यहाँ पे आपका EWS सर्टिफिकेट का बात है, तो यहाँ पे भी कंसिडरेशन मिल जाएगा, और स्पेशली EWS कैंडिडेट के लिए स्पेशल कंसिडरेशन मिलता है, ठीक। आपने तो ऑलरेडी नया सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो वेरिफिकेशन के टाइम वो नया सर्टिफिकेट ही सबमिट करो, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सारे कंसिडरेशन मिल रहा है कैंडिडेट्स को। सो दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन, होप यू ऑल एंजॉय द डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।